घर बनाना हम सब के लिए एक ड्रीम होती है, चाहे वो अपार्टमेंट हो या फिर एक प्लॉट। वी आर ऑलवेज फैंसी ऑफ दैट। हाय, आई एम शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वुडोफा। सो वुडोफा इज एन आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन कंपनी वेयर वी टेक केयर ऑफ द एंड टू एंड डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन फॉर यू। आपका अगर वो खाली प्लॉट है तो हम वहाँ से कंस्ट्रक्शन अथॉरिटी मैप अप्रूवल्स टू द इंटायर पीस ऑफ इंटीरियर्स एंड डेकोर, हम सब कुछ आपके लिए करके देते हैं। इट्स अ वन सिंगल की सॉल्यूशन। आप हमें प्लॉट का चाबी दीजिए और हमसे पूरे घर एक ड्रीम होम बना हुआ तैयार की चाबी वापस ले लीजिए। उसके अंदर कुछ भी आए, वी विल टेक केयर ऑफ दैट फॉर यू। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन नोएडा बताने वाला हूं, जिसके अंदर आप नोएडा की अगर आपके पास एक प्लॉट है नोएडा में और आप उसको बनाना चाहते हैं तो क्या सोचें और किस तरीके से अप्रोच करें बनाने के लिए, और क्या क्या बायलॉज का आपको ध्यान रखना होगा बिफोर गोइंग फॉर द कंस्ट्रक्शन। आज हम इस सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो मेरी एक सीरीज़ है आर्किटेक्चरल इंटीरियर के ऊपर, जिसमें मैं डिफरेंट बायलॉज कंस्ट्रक्शन के टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। ये उसका पार्ट है। अगर आपको और कंस्ट्रक्शन के टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। सो घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिसके अंदर बहुत कुछ इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जब आपने प्लॉट लिया तो उसकी आप रजिस्ट्री कराते हैं। तो सिमिलरली आपको बिल्डिंग बनाने से पहले भी उसका अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप नोएडा में हैं नोएडा अथॉरिटी से लीजिए, गाज़ियाबाद है गाज़ियाबाद अथॉरिटी, दिल्ली है तो दिल्ली की अथॉरिटी से। इस तरीके से हर एक एरिया की अपनी एक अथॉरिटी होती है और उससे आपको मैप सैंक्शन कराना पड़ता है। ये एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ही करा पाता है। तो आप जब किसी प्लॉट को कंस्ट्रक्ट को या घर को बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक आर्किटेक्ट के पास जाइए और आपके लिए वो एक घर का नक्शा एक मैप तैयार करेगा और वो अथॉरिटी से अप्रूव कराएगा। पर उस सब चीज़ों से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊँगा। सो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पाते हैं, FAR एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। 100 पेज का बायलॉज पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा। हम इतना कंस्ट्रक्शन इतने प्लॉट्स इतना सारा कुछ काम करते हैं पर मैंने पूरी कंप्लीट बायलॉज की लिस्ट नहीं पढ़ी। तो मुझे कुछ बेसिक्स एलिमेंट्स के बारे में मालूम है और उसके बेसिस पे हम लोग डिज़ाइन एंड डिलीवर करते हैं और उसी के बेसिस पे अथॉरिटी से अप्रूवल्स भी ले लेते हैं। तो आपको भी ये बेसिक्स कुछ बेसिक्स तो ज़रूर पता होनी चाहिए। तो पहला एलिमेंट ऑफ टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है इज़ FAR। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अपने प्लॉट का साइज़। तो नोएडा में डिफरेंट प्लॉट के साइज़ के हिसाब से आप ये टेबल में देख पा रहे हैं कि अगर आपका 50 मीटर से कम का प्लॉट है तो FAR क्या होना चाहिए, 51 टू 75 मीटर है तो क्या होना चाहिए, 201 टू 300 मीटर है तो क्या होना चाहिए। FAR के बेसिस पे ही आपकी ग्राउंड कवरेज भी डिसाइड होती है और उसके बेसिस पे ही आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर पाते हो। सो बेसिक ग्राउंड रूल है नोएडा में, अगर मैं नोएडा पटेरिंग की बात करूं तो आप 3 फ्लोर बना सकते हो अगर आप पूरा FAR यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पर अनलाइक दिल्ली आपको 4 फ्लोर बनाने की परमिशन अभी अलाउड नहीं है, यहाँ 3 फ्लोर ही बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप ये टेबल में देख रहे हैं तो FAR अगर आपका 50 मीटर से कम का प्लॉट साइज़ है तो आप 75% ग्राउंड कवरेज कर सकते हैं और 180 का FAR मिलेगा। सिमिलरली हमने इस टेबल में आपको और डिटेल्स बताए हैं, 51 टू 75, 201 टू 300, 300 टू 400। तो नोएडा में प्लॉट साइजेस भी इसी तरीके से हैं। सो या तो 112 मीटर के प्लॉट्स हैं, 250 मीटर के प्लॉट्स हैं, 300 मीटर के प्लॉट्स हैं या 450 मीटर के प्लॉट्स हैं। ये कॉमन साइज है जो आपको नोएडा में डिफरेंट एरियाज में देखने को मिलेगा। तो उसके बेसिस पे आपको एक सेट ग्राउंड परसेंटेज भी मिलेगा। जितना बड़ा प्लॉट होगा उतना ही ग्राउंड कवरेज कम होता जाएगा। तो FAR होता क्या है अब ये समझ लेते हैं। FAR का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो, जैसा कि FAR है इसका मतलब है फ्लोर एरिया रेशियो। अब आप पूछेंगे मेरे से कैलकुलेट कैसे होता है, बहुत सिंपल है। जितना टोटल फ्लोर्स हैं, जैसे आप 3 फ्लोर बनाते हैं तो आप FAR मल्टीप्लाई करिए प्लॉट एरिया से और डिवाइड कर दीजिए 100 से, तो आपको टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर्स मिल जाएगा। मतलब कि उस एरिया में उस फ्लोर पे या उस एलिमेंट पे कितना स्क्वायर फीट बना सकते हो वो आपको आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर 200 मीटर का प्लॉट है तो 200 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 180, अगर 180 का FAR है, डिवाइडेड बाय 100 बिकम्स यू टोटल स्क्वायर फीट परसेंटेज, कि टोटल स्क्वायर फीट एरिया कितना आप बना सकते हो अपने घर में। अब आप पूछोगे स्क्वायर फीट क्या होता है, बहुत सिंपल है। जितना प्लॉट का एरिया है, लेट्स से आपका 250 मीटर का प्लॉट है तो उसको पहले स्क्वायर यार्ड में कन्वर्ट कर लीजिए,
फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दीजिए, तो आपको टोटल स्क्वायर फिट मिल जाएगा उस प्लॉट का कितना है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, अगर 100 मीटर का प्लॉट है फॉर एग्जांपल, या 200 मीटर या 250 मीटर का प्लॉट है, मे बी 300 स्क्वायर यार्ड हो गया, मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 2700 स्क्वायर फीट हो गया। दैट इज़ द टोटल ग्राउंड एरिया ऑफ वन फ्लोर। अगर आप तीन फ्लोर बनाएंगे तो 2700 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से और उसके बाद उसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आपको टोटल कवर्ड एरिया या स्क्वायर फीट एरिया ऑफ द प्लॉट मिल जाता है। जैसा कि मैंने बोला, अगर आप टोटल फ्लोर एरिया को कवर करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम 3 फ्लोर्स बनाने की परमिशन है नोएडा में। यहाँ पर अभी 4 फ्लोर्स की परमिशन नहीं मिली है इंडिविजुअल रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए, तो आप 3 फ्लोर ही मैक्सिमम बना सकते हैं। इसमें बेसमेंट, स्टिल्ट पार्किंग या लिफ्ट या कॉमन एरियाज या मुंटी FAR का पार्ट नहीं होता, ये एक्सक्लूसिव होता है FAR से, तो इसका एरिया FAR में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। नोएडा में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, आपने ये सब तो समझ लिया, सेटबैक्स का। तो यहाँ पर अगर आपका प्लॉट छोटा है तो आपको आगे और पीछे, फ्रंट और रियर सेटबैक्स छोड़ने पड़ते हैं। अगर आपका प्लॉट बड़ा है तो आपको साइड सेटबैक भी छोड़ना पड़ता है। अगर आपका प्लॉट कॉर्नर का है तो भी आपको थोड़ा सा परसेंटेज साइड सेटबैक का छोड़ना पड़ता है, और ये सेटबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सेटबैक्स को अगर आप यूटिलिटी की तरह यूज़ करें तो आपको बहुत सारे एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन इसमें डाला जा सकता है, पर अथॉरिटी के मुताबिक इसे छोड़ना ही होगा, आप इसमें कवर्ड लेंटर नहीं डाल पाएंगे, तो ये बहुत ध्यान रखना है। सो हमारे यहाँ टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं। अगर आप हमसे प्लॉट का डिज़ाइन एज एन आर्किटेक्चुअल या इंटीरियर्स करना चाहेंगे, हम आपको डिटेल एनालिसिस बता सकते हैं कि आगे और पीछे कितना सेटबैक होना चाहिए, साइड में कितना सेटबैक होना चाहिए, और किस तरीके से अपन में घर को डिज़ाइन कर सकते हो। एंड वी आर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स। चौथा एंड पांचवा इंपॉर्टेंट एलिमेंट घर के कंस्ट्रक्शन में या टर्मिनोलॉजी में जो आपको पता होना चाहिए इज़ द हाइट। तो चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नोएडा हो, या गाज़ियाबाद हो, या कहीं पर भी हो, हर जगह हाइट की एक रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो जनरली 15 मीटर की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है नोएडा में, मतलब 15 मीटर से ऊपर इंक्लूडिंग द स्टिल्ट आपकी बिल्डिंग नहीं हो सकती। अगर आपकी टोटल बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर से ऊपर चली जाएगी तो दैट इज़ इलीगल, तो अथॉरिटी कभी भी वो फ्लोर को डिमोलिश या डैमेज कर सकती है। तो आपको कोशिश क्या करना है, अपने आर्किटेक्ट को भी ये बोलना है कि भैया मेरी हाइट को 15 मीटर से कम रखें, इसको बड़ा ना करें, इसको फुल हाइट ना बनाएं। 15 मीटर या 15 मीटर से कम इज़ ऑल्सो वेरी मच इनफ, 3 फ्लोर्स या स्टिल्ट पार्किंग बनाने के लिए बहुत है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चुरल पता लग गई हो कि नोएडा में घर बनाने से पहले क्या क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। मैंने इसमें कोई कॉन्ट्रैक्टिंग, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स और कोई मटेरियल्स के बारे में बात नहीं करी। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कंस्ट्रक्शन के मटेरियल्स के बारे में बात करूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख के आप थोड़ा बहुत आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं और आपको पता लग जाएगा आपको कंस्ट्रक्शन क्या करानी है। अभी मैं सिर्फ बेसिक बायलॉज और एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, बट वी हैव आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन हाउस जो ये सब काम करते हैं। मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जस्ट फॉर योर नॉलेज। थैंक यू सो मच।